जिला स्तरीय एक दिवसीय अभिनय कार्यक्रम का आयोजन बाल स्कूल परिसर में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंबियाल ने शिरकत की। बाल स्कूल व गर्ल्स स्कूल के बच्चों के साथ साथ अध्यापकों ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। बच्चों ने नाटकों के जरिए नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। कार्यक्रम में अभिनय कर रही टीमों को नगद इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रथम टीम को 1500 रूपए, द्वितीय टीम को 1000 रूपए, तीसरी विजेता टीम को 625 रूपए की नगद राशि दी जाएगी। जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंबियाल ने बताया कि एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल शिक्षा विभाग और SIT सोलन के सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में बताया गया ताकि बच्चे नशे से दूर रहें। बच्चों ने नशे के घातक परिणामों के बारे में नाटकों के माध्यम से जागरूक किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमारा कंपटीशन है नेशनल रोल प्ले, जिसको हम राष्ट्रीय भूमिका अभिनय कहते हैं। इसमें जिला हमीरपुर की लगभग 30 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के 150 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। जो राष्ट्रीय अभिनय जो जिसका नाम रखा गया है, इसका जो वास्तविक अर्थ है कि एक शिक्षण विद्या जो है उसका एक रूपांतरित है, उसका एक रूप है, जिसके द्वारा जो वास्तविक घटनाएं अपने जीवन में घटती हैं उनको अभिनय द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये जो सारा का सारा कार्यक्रम है SCRT सोलन और हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आज जहां देश में नशे की बीमारी बढ़ती जा रही है हमारे कोस और पड़ोस में, तो ये भी इसका एक मुख्य टॉपिक रखा गया है कि नशे से बच्चों में हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है किस प्रकार नशे की आदि हो रही है, इसकी कौन कौन सी बुराइयां हैं। इस नाटक के माध्यम से बच्चे जो होंगे लोगों को जागरूक करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी एड्स जिसका सबके लिए खतरा होता है, उसके क्या कारण हैं, उसके क्या उपाय हैं, उसके ऊपर भी बच्चों ने अभिनय तैयार किए हैं। इसी प्रकार जो युवाओं हमारे जो किशोर अवस्था में, जैसे हमारी 13 से 16 साल की जो एज है, इसमें भिन्न भिन्न बच्चों की जो शारीरिक रचना है उसमें बहुत सी चेंजेस आती हैं। बहुत से वो उनके हार्मोन्स हैं जो चेंज होते हैं, उनमें अलग प्रकार की एक परिस्थितियां आ जाती हैं बच्चों के बीच में। उन चेंजेस के साथ बच्चों का जीवन के प्रति क्या एक संबंध रहता है, उसके बारे में भी इस लघु नाटिका के रूप में बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं कि उन अवस्थाओं में बच्चों को हम कैसे धैर्य बनाकर रखेंगे कि चेंजेस जो हैं किस प्रकार आती हैं, और इन चेंजेस में बच्चों की अगर सही शिक्षा मिलती है तो बच्चे अपनी एक ठीक दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लक्ष्य है कि जो समाज के अंदर भिन्न भिन्न बुराइयां हैं और हमारे जो बच्चों का 13 से 16 और 17 साल के जो इनकी उम्र जो बढ़ती जाती है, इनमें जो चेंजेस आती है, इनको हम किस प्रकार एक संतुलन बनाकर इन बच्चों को आगे बढ़ाएं, मुख्य उद्देश्य हमारा ये है। और बच्चे आज बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल के उनके जो टीचर्स हैं तैयारी करवाई है, और जो सामाजिक बुराइयां हैं उनका किस प्रकार पर्दाफाश किया जा सकता है, तो इस प्रकार की आज लगभग हमारे 150 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। और ये जो टीम जो फर्स्ट आएगी ये SCRT सोलन में, जो हमारा स्टेट लेवल का जो कार्यक्रम होगा उसमें ये जाएंगे, और वहाँ इसके बाद हमारा एक 29 तारीख को फोक डांस जो कि हम लोक नृत्य होता है। लोक नृत्य जो है ये हमारी जो पुरानी हिंदू संस्कृति है, सभ्यता है, और हमारे जो लोकल्स भिन्न भिन्न एरिया को अगर देखें उनकी एक अपनी संस्कृति होती है, उस संस्कृति को लोगों में उनको बताने के लिए और उसको इकट्ठा रख के संजोए रखने के लिए इस प्रकार के शब्दों कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक है। का एक दिवसीय कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम लगभग 4 बजे जो सभी टीमों का हमारी जो सिलेक्ट होंगी उसमें उनको प्राइजेस दिए जाएंगे, और जो हमारी प्रथम टीम आएगी इसके 5 बच्चे हैं उनको 1500 रुपए का प्राइस रखा गया है, और जो सेकंड टीम उनको 1000 का, और इसी प्रकार जो हमारी थर्ड टीम रहेगी इसको लगभग 625 रुपए नकद कैश के रूप में